हेलो बच्चों, कल के एलर्जी चैप्टर के दूसरे भाग में मैं आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पे। आज हमने जो मतलब कल जो हमने एलर्जी के बारे में जाना, उसमें हमने देखा कि कैसे एलर्जी होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं, कहां से ये शुरुआत होती है और क्या क्या हो सकता है इसमें। आज हम एलर्जी के और इस आगे भाग में देखते हैं। Our basic understanding of allergy has evolved from the discovery in 1967 of a previously unknown antibody, immunoglobulin E or IgE, by scientists in Uppsala and Baltimore. यहाँ पर बात हो रही है कि हमारी जो एलर्जी की समझ है, जो हमने जाना है एलर्जी के बारे में, ये सबसे पहले खोज हुई 1967 ईस्वी में, जो कि एक एंटीबॉडी के नाम से जानी जाती थी। एंटीबॉडी का अर्थ होता है जो हमारे शरीर के अनुसार ना हो, उसके खिलाफ हो, और उस समय इसका नाम दिया गया था इम्यूनोग्लोबिन ई। ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, मतलब हमारे तंत्रिका तंत्र के लिए एक दुश्मन जैसा था और हमारे लिए हानि उत्पन्न करता था, इसीलिए इम्यूनोग्लोबिन ई इसका नाम रखा गया। और जो वैज्ञानिक जिन्होंने इनको खोज किया था वो उपसाला और बाल्टीमोरे के रहने वाले थे। द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ IgE एंटीबॉडीज इज दैट दे कैन बी स्पेसिफाइड फॉर हंड्रेड्स ऑफ काइंड्स, हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट एलर्जेंस। तो यहाँ पर जो इम्यूनोग्लोबिन ई नाम की जो खोज थी, इसकी खासियत यह थी कि हज़ारों मतलब सैकड़ों प्रकार के जो एलर्जेंस थे, एलर्जेंस के बारे में मैंने कल बताया था, जिनसे एलर्जी उत्पन्न होती है, तो ये उनको पहचान सकते थे। सैकड़ों की संख्या में एलर्जेंस को ये पहचान सकते थे। कंटिन्यूड रिसर्च हैज़ सिग्निफिकेंटली एडवांस्ड आवर नॉलेज रिगार्डिंग फॉर एग्जाम्पल द इंट्रैक्शन बिटवीन IgE एंड इंफ्लेमेटरी सेल्स। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमने जो लगातार रिसर्च किए, लगातार खोज की, वैज्ञानिक अध्ययन किए, इसके साथ साथ जो है हमने IgE के साथ और हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं जो कि प्रज्वलन पैदा करते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि एलर्जी के कारण रिएक्शन पैदा करते हैं, इसी को इन्फ्लेमेटरी सेल कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है, उस संबंध को ये स्थापित करने के लिए इनका और अध्ययन किया गया। For effective asthma medication, one needs to look beyond the obvious symptoms. अगर हम बात करें कि अस्थमा का दवाई के सेवन से उसे ठीक करना, तो हर व्यक्ति को पहले उसके लक्षणों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अर्थात यहाँ पर दिया गया, जैसे एंटी हिस्टामिन्स फॉर एग्जाम्पल मे प्रोवाइड टेम्प्रोरी रिलीफ बाय मास्किंग द सिम्टम्स। तो एंटी हिस्टामिन जो दवाइयाँ होती हैं, ये क्या करती हैं कि उस जो लक्षण होते हैं अस्थमा के, उसके ऊपर एक कवर लगाने का काम करती है, उसे रोकने का काम करती है, बचाव का काम करती है ये। बट दे वर्चुअली नो इफेक्ट ऑन द अंडरलाइंग इन्फ्लेमेशन। लेकिन उसके कारण जो हमारे अंदर जलन पैदा होती है, ये उसे कम नहीं कर पाती। अदर फार्माकोशियल नोन टू बी द इफेक्टिव फॉर सीजनल एलर्जी मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेटेड वीक्स बिफोर एक्सपोज। तो और भी कई सारी दवाइयाँ हैं, कई सारे उपचार हैं जो कि सीजनल एलर्जी के लिए काम आते हैं, मतलब मौसमी एलर्जी की बात हो रही है यहाँ पर, जो किसी विशेष मौसम में होते हैं। और इसका जो है, मौसम के आने से पहले हर व्यक्ति को अगर उसे पता है कि उसे इस मौसम में एलर्जी होती है, तो उसे जो है एक्सपोज होने, मतलब उस वातावरण में जाने से पहले खुद को जो है ठीक कर लेना चाहिए, अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेना चाहिए। द क्लिनिकल यूज ऑफ इनहेल्ड स्टेरॉइड्स आर करंटली गेनिंग ग्राउंड ड्यू टू देयर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स। आज आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग इनहेल यूज़ करते हैं, अर्थात जो सांस, जिनको सांस की दिक्कत होती है वो इनहेल यूज़ करते हैं, जिससे कि अगर उनके अंदर ऐसी जलन पैदा हो, उनको सांस लेने में दिक्कत हो, खांसी आए, तो वो इनहेल का प्रयोग करके जो है अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ऑल्दो ओवर ट्रीटमेंट मे हैव सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, ओवर ट्रीटमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, मतलब
बीमारी के लक्षण आने से पहले ही आप उसका इलाज कर दें, ये गलत हो जाएगा। जैसे हमें अगर मान लीजिए बुखार हुआ भी नहीं और हम बुखार होने के डर से सिर्फ कहीं भीग गए, हम सोच रहे हैं कि हमको बुखार हो जाएगा इसलिए हम पहले बुखार का दवाई ये खा लेते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब उसे ओवर ट्रीटमेंट कहा जाएगा, ये हम नहीं करेंगे। ठीक है, टू इंश्योर द लोएस्ट इफेक्टिव डोजेज थ्रू द ट्रीटमेंट द लेबोरेटरी कैन प्रिडिक्टली मॉनिटर द अकरेंस ऑफ सीरम ऑफ ECP रिलीज फ्रॉम इन्फ्लेमेटरी सेल्स। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हमें किसी चीज़ का ट्रीटमेंट करना है तो हम लोग जो है ये जानना, पहले जानना ज़रूरी है कि कितना कम से कम हम उसे वो चीज़ मात्रा में उपलब्ध कराएं, वो दवाई उपलब्ध कराएं, कम से कम मात्रा में वो काम कर जाए। ये नहीं कि अब हमको जो है एक दवाई खा रहे हैं, हमको उससे इतना राहत मिल रहा है तो हम एक बार में 4 दवाई खा लेंगे तो हम ज़्यादा राहत मिल जाएगा, हमें ये नहीं करना है। ये देखना है कि कम से कम कितना दवाई खाएं जिससे हमें राहत मिले, ये जानना ज़रूरी है। और उससे हमें ये पता चलेगा कि ECP का फुल फॉर्म यहाँ पर अगले लाइन में दिया है, इसिनोफिलिक कैटायनिक प्रोटीन। ठीक है, इसिनोफिलिक कैटायनिक प्रोटीन, ये एक प्रोटीन है जो कि हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स, मतलब कि जो जलन पैदा करने वाले सेल होते हैं, वहाँ से ये रिलीज़ होता है। तो ये कितना रिलीज़ हो रहा है, कितनी मात्रा में रिलीज़ हो रहा है, और इसका जो है हमें नज़र रखना इस पर ज़रूरी होता है, ताकि उसी के हिसाब से हम दवाई खाएं और दवाई खाकर हम इसको, मतलब इस एलर्जी को रोक सकें। यहाँ इसिनोफिलिक कैटायनिक प्रोटीन इज ए प्रोटीन जनरेटेड इन सर्टेन वाइट ब्लड सेल एक्टिवली इंगेज्ड इन द इम्यून डिफेंस सिस्टम। मतलब हमारे शरीर में जो इम्यून डिफेंस सिस्टम, मतलब तंत्रिका तंत्र के बारे में बात हो रही है, हमारे तंत्रिका तंत्र को जो प्रहार, मतलब बचाव का काम जो करते हैं, जैसे बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमें देते हैं, वैसे में ही जो वाइट ब्लड सेल है हमारे शरीर में, जो ब्लड होता है वो भी दो तरह, उसमें तीन तरह के गुण पाए जाते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो WBC ही वाइट ब्लड सेल कहलाता है, उसी में इसिनोफिलिक कैटायनिक प्रोटीन पाया जाता है। तो ये प्रोटीन जो है हमारे बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। यूजिंग ए डायग्नोस्टिक टेस्ट डेवलप बाय फेडिया, ECP कैन बी डिटेक्टेड इन बॉडी फ्लूइड्स। तो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट करके, मतलब एक जांच कराकर जो है हम अपने ब्लड में ये जो ECP की मात्रा है, मतलब इस प्रोटीन की मात्रा है, कितनी मात्रा है, हम इसकी जानकारी ले सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी, एलर्जी का हम उपचार कैसे करें। तो देर आर 3 जनरल अप्रोचेज टू द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक डिजीज सच एज एलर्जी रिटेंस। मतलब कि यहाँ पर हम बात करते हैं 3 तरीके हैं जिससे हम एलर्जी की चीज़ों से निजात पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। एक होता है अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन। सबसे पहले जिस चीज़ से हमें एलर्जी हो रही है हम उसके पास ही ना जाएं, उससे दूर रहें, उससे दूरी बनाकर रखें। दूसरा है मेडिकेशन टू रिलीव सिम्टम्स। मतलब कि हम जो है उस जिस चीज़ से हमें एलर्जी होती है उसके विरोध में हम दवाई खाएं, मतलब कि हमें वो एलर्जी ना हो तो हम दवाई खा लें पहले। और तीसरा होगा एलर्जी शॉट्स। मतलब कि हम ऐसे कोई चीज़ें उपयोग में लाएं, ऐसे कोई व्यायाम उपयोग में लाएं जिससे हम एलर्जी से बच सकें। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं सजेशन टू अवॉइड एलर्जन। मतलब एलर्जन से हम कैसे दूर रहें, मतलब जिससे एलर्जी होती है उससे कैसे दूर रहें। वेयर ए पॉलन मास्क व्हेन मूविंग ऑन ग्रास और हाउस क्लीनिंग। मतलब जिसको जो है डस्ट से, मतलब धूल कण से किसी को एलर्जी होती है तो वो जो है मुंह पर मास्क पहने, अर्थात जो है जब कभी भी वो खेतों में चल रहा हो, पैदल ज़मीन पर चल रहा हो, या फिर जो है वो घर की सफाई कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में मास्क पहनने चाहिए। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हमारा देश कोरोना से पीड़ित है, तो इस कोरोना नाम के एलर्जी से भी बचने के लिए हमें मास्क की जो है आवश्यकता होती है। अब यहाँ है कि स्टे इंडोर इन द मॉर्निंग व्हेन द पॉलन काउंट्स इज एट इट्स हाईएस्ट और ऑन विंडी डेज। मतलब कि मॉर्निंग के समय या फिर हवाओं के दिनों में जब पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि हवा में जो कण है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो उस समय हमें घर में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, जिससे कि हम इस एलर्जन से दूर रह सकें। फिर है रीड एंड अंडरस्टैंड फूड लेबल्स। मतलब कौन सी भोजन कितनी मात्रा में करनी है इसकी जानकारी हमें पूरी तरह से होनी चाहिए। जिन लोगों को भोजन से एलर्जी है, किसी प्रकार के खाद्य पदार्थ से एलर्जी है, तो उन्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि मुझे दही खाने से एलर्जी है या फिर मुझे मसाले खाने से एलर्जी है, तो हम वो सब न खाएं। फिर है कीप विंडोज़ एंड डोर क्लोज ड्यूरिंग हैवी पॉलिनेशन सीज़न। जब पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा, मतलब हवा में कण की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, तो हम खिड़की दरवाजे आदि बंद रखें।
फिर है रेड द होम ऑफ इंडोर प्लांट्स एंड अदर सोर्स ऑफ माइल्ड्यू. हम घर में जो है इंडोर प्लांट्स न लगाएं जिस पौधे से हमें एलर्जी हो सकती है, या फिर ऐसे जो भी चीज़ें हैं जिससे हमें घर में भी एलर्जी हो हम उससे दूरी बनाएं. फिर है डोंट अलाउ डेंजर प्रोड्यूसिंग एनिमल इन द हाउस. और जो भी जो है हमारे घर में जो जानवर, अगर हम किसी जानवर को ले आते हैं जिससे हमें कोई खतरा हो सकता है, या फिर जो है जिससे इनके बॉडी के फर से, उनके शरीर की गंदगी से हमें एलर्जी हो सकती है, वैसे जानवरों को भी हम अपने घर में अलाउ न करें. फिर है चेंज फिदर पिलो वुलन ब्लैंकेट्स और क्लॉदिंग्स टू कॉटन और सिंथेटिक मटेरियल. किसी किसी को जानवरों से भी एलर्जी होती है, तो इससे जो बहुत सारे तकिए होते हैं जिसके अंदर पंख भरे होते हैं, या फिर जो वुलन ब्लैंकेट्स हैं मतलब ऊन के बने हुए, वो भी जानवरों से ही हमें प्राप्त होते हैं, तो ऐसी चीज़ों से बनी हुई चीज़ों का हमें बदले, इसके बदले हमें कॉटन की चीज़ें या सिंथेटिक मटेरियल की बनी हुई चीज़ें प्रयोग में लानी चाहिए अगर हमें उनसे एलर्जी होती है तो. फिर है इनक्लोज मैट्रेसेस बॉक्स स्प्रिंग एंड पिलोज इन प्लास्टिक बैरियर क्लॉथ. मतलब कि जो गद्दे हैं या फिर जो स्प्रिंग है या फिर जो तकिए हैं उसको हम जो है प्लास्टिक की चीज़ों में कवर कर दें. मतलब कि अगर हमें उनके कपड़े से एलर्जी हो रही है तो हम उसको कवर कर दें. फिर है वॉश शीट मैट्रेसेस पैड एंड ब्लैंकेट्स वीकली इन हॉट वाटर एटलीस्ट 130 फ़ारेनहाइट. मतलब कि हम जो चादर बिछाते हैं या पैर पोछने वाले जो शीट होते हैं उसको, उसका प्रयोग करते हैं या कंबल वगैरह प्रयोग करते हैं, इन सारी चीज़ों को कम से कम सप्ताह में एक बार जो है थोड़े गुनगुने पानी में इसे हमें धो लेना चाहिए. रिमूव कारपेट्स एंड अपहोल्ड फर्नीचर ड्रास्टिक मेजर. मतलब कि हमें जो है कारपेट वगैरह बदलते रहने चाहिए या फिर जो फर्नीचर्स हैं उनको बदलते रहना चाहिए. फिर है यूज़ एरकेसाइड्स. ये एक केमिकल है जो कि घर के अंदर जो है कीटाणुओं को मारता है, इसका हमें प्रयोग करना चाहिए. या फिर टैनिक एसिड सॉल्यूशन जो कि एलर्जेंस को न्यूट्रलाइज करता है, मतलब उसके प्रभाव को कम करता है. और साथ ही साथ यहाँ पर दिया है कि सम मेजर्स फॉर दोज हु कैन अफोर्ड. यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि थोड़ी महंगी पड़ सकती हैं, जैसे कि यूज़ एयर कंडीशनर्स इन द हाउस एंड कार. अगर आप गाड़ी में चलते हैं या घर में रहते हैं जहाँ पर आपके चारों तरफ पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ता है, तो आप एयर कंडीशनर्स यूज़ कर सकते हैं. इससे क्या होता है कि हवा में नमी की मात्रा बढ़ जाती है और जो डस्ट होते हैं वो बैठ जाते हैं, वो उड़ते नहीं हैं. फिर है यूज़ एयर फिल्टर्स. आप एयर फिल्टर घर में प्रयोग कर सकते हैं जो हवाओं को शुद्ध रखता है. या फिर यूज़ डीह्यूमिडिफायर, मतलब जिससे ह्यूमिडिटी को कम किया जा सकता है, हवा में आर्द्रता की मात्रा कम की जा सकती है. ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने जो है ये सारी चीज़ें देखी. यहाँ पर कुछ और जो है ट्रीटमेंट्स के बारे में कहा गया है, आप इसे और पढ़ सकते हैं. तो यहाँ इस अध्याय में हमने एलर्जी के बारे में जाना कि एलर्जी क्या होता है, एलर्जी से कैसे बचा जाए, जो एलर्जेंस हैं उससे कैसे बचा जाए और स्वयं को कैसे सुरक्षित रखा जाए. ठीक है, अगर आपको इससे जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. और कल के एपिसोड में, कल के भाग में हम इसके प्रश्न उत्तर को आपके सामने पेश करेंगे, उसे आप अवश्य लिखेंगे. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और आप इनके पढ़ाई का लाभ ले सकें. और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें.